आईपीएल 2022 में इन तीन खिलाड़ी का खरीदा नहीं मिला तो इनका करियर होगा खत्म। जाने इस पूरी वीडियो में कौन कौन है इन तीन खिलाड़ी। भारतीय लीग में 12 और 13 फरवरी को कोई खिलाड़ी बेनाम नाम जीत तो कुछ खिलाड़ी निराशा को अपनी झोली में लेगा। वॉक्सन में अंडर 19 टीम में युवा खिलाड़ी से लेकर कोई अनुभवी खिलाड़ी शामिल है, लेकिन क्रिकेट के लिए इतना जुनून रखने वाले देश के कुछ खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में खरीदे जाने की संभावना कुछ कम नज़र आ रही है। जानिए कौन है वो खिलाड़ी जो अगर इस आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी को हिस्सा नहीं रहे तो उनका करियर लगभग ख़त्म हो जाएगा। पहले नंबर पर है भारतीय विकेट कीपिंग बैट्समैन जिसका नाम है दिनेश कार्तिक। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक इस बार आईपीएल में मेगा ऑक्शन का हिस्सा है। 36 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल में कुल 213 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 25.8 के औसत से 4,046 रन अपने खाते में रखे हैं। केकेआर टीम के रिटेन ना करने के कारण वो ऑक्शन में है। पिछले समय से उनका बल्ला रन नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण उन्होंने इस बार आईपीएल में खरीदे जाने की संभावना कम है। हाल ही में दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम में वापसी के लिए ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अंबाती रायडू। चेन्नई सुपर किंग्स के 36 साल के अनुभवी खिलाड़ी अंबाती रायडू का नाम पिछले सीजन इतना चर्चा में नहीं रहे हैं। अंबाती रायडू चेन्नई के टीम की ओर से आईपीएल में कमाल कर चुके हैं, साथ ही एक शतक और 21 अर्धशतक के साथ 175 मैच में 3,916 रन बनाए हैं, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें अपने साथ रखा है, लेकिन रिटेंशन में उनका नाम 4 में से नहीं है, जिसके लिए वो मेगा ऑक्शन में आ चुकी है। और तीसरे नंबर पर है एक ऑलराउंडर जिसके नाम है केदार यादव। केदार यादव एक अनुभवी 36 साल के खिलाड़ी है। पिछले सीजन में हैदराबाद की ओर से केदार यादव ने 6 मैच में मात्र 55 रन बनाए थे, जिसके बाद शायद किसी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में इस खिलाड़ी को स्थान दिया है। केदार यादव एक साल में बहुत सारे रन बनाए थे, लेकिन केदार यादव हाल ही में अच्छी फॉर्म नहीं दिखाया है। केदार यादव एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उनके बॉलिंग एक्शन से बल्लेबाज को खेलने में काफ़ी दिक्कत होती दिखी है, इसलिए आईपीएल ऑक्शन में नाम आने पर कोई फ्रेंचाइजी उन्हें अपना साथ जोड़ सकती है, लेकिन उन्हें नहीं लिया तो उनका भी करियर ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए वो अभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखा जाएगा 12 और 13 फरवरी को ऑक्शन। अगर आपके ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी को दबाना मत भूलिए। बाय।